नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 936 के बारे में। दोस्तों, LIC का इकलौता ऐसा प्लान है जो सबसे ज्यादा सेल होता है। सेल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मिलते हैं आपको हाईएस्ट रिटर्न। इस प्लान के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कुछ शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई शेयर मार्केट वाला प्लान देख रहे हैं या फिर SIP प्लान देख रहे हैं, तो इस प्लान में आपको वो नहीं मिलने वाला। ये LIC का प्योर एंडोमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको 3.5 गुना तक की रिटर्न मिलती है। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। जैसे शेयर मार्केट SIP प्लान के अंदर आपको रिस्क रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इसके अंदर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं मिलेगा। ये एक प्योर नॉन लिंक्ड प्लान है दोस्तों। इस प्लान के अंदर आपको 3.5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिलती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस प्लान के अंदर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। इस प्लान के अंदर जो पेमेंट टर्म है वो अट्रैक्टिव है। कैसे अट्रैक्टिव, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने जो पेमेंट करनी है वो एक लिमिटेड टाइम का करनी होती है, और आपका रिस्क कवर जो होता है वो एक लंबे समय तक के लिए होता है। इस रिस्क को हम वीडियो में आगे समझेंगे, पर उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीजें समझने जरूरी है दोस्तों। ये पॉलिसी आपको क्या क्या दे सकती है, सबसे पहले हमने इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, तो उसी के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम एश्योर 10 लाख रुपए का है। इस सम एश्योर 10 लाख का मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए जमा करना है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है, आपके चले जाने के बाद आपके परिवार को दे दी जाता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना हुई है तो परिवार को डबल अमाउंट मिलता है। नेचुरल डेथ में 10 लाख के सम एश्योर्ड में 10 लाख मिलेगा, और हर साल जो बोनस ऐड होता रहेगा वो भी उसको ऐड करके मिलेगा। अगर आप इस पॉलिसी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें जानना जरूरी है दोस्तों, जैसे कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए दोस्तों, तो पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 8 साल से लेके 59 ईयर के व्यक्ति को ये प्लान मिल सकता है। 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है पॉलिसी का पीरियड 16 सालों तक है, आपने जो पे करना है वो 10 साल ही करना है, 16 साल में मैच्योरिटी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर पॉलिसी 21 साल में मैच्योरिटी देगी, सिर्फ 15 साल तक आपने पे करना है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सिर्फ 16 साल तक पे करना है और मैच्योरिटी आपको 25 सालों में मिल जाती है, यानी कि लास्ट के जो 9 साल है ना उसमें कुछ पे नहीं करना है। इसी के हिसाब से एज भी दिया। और ऑप्शन 3 की बात करें तो मैक्सिमम एज 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड वो अमाउंट नहीं है जो आपने एक ही बार में जमा करना है। ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करेगी उतना बड़ा प्लान आप ले सकते हैं। दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इसमें प्रीमियम किस किस तरीके से पे कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, 4 मोड्स अवेलेबल है। बट देखा गया जो लोग सालाना पेमेंट करते हैं उनकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होती है। दोस्तों, अगर ये पॉलिसी आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट को जरूर चूज कीजिएगा। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए प्रपोजर जो कि पिता है वो पॉलिसी के पैसे भर रहा है, और पिता के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, और जो मैच्योरिटी समय पे मिलने वाली होती है वो बच्चे को यह परिवार को सही समय पे मिल जाती है। इस राइडर को लेने के लिए बच्चों की उम्र 8 साल से 17 साल की बीच में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप मंथली मोड चूज कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, यानी किसी पॉलिसी होल्डर ने भी प्रीमियम जमा नहीं किया है, ग्रेस पीरियड में चल रही है ये पॉलिसी, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो भी नॉमिनी को क्लेम मिलता है। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड चूज कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको इसके अंदर मिलेगा। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है और लोन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है
ये जो ऑप्शन है आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी पॉलिसी को 2 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस प्लान के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 2 तरीकों से। पहला, जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर आपको रिबेट मिलेगा सेक्शन 80C के अंदर, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन अंडर 1010D के। दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी और डेथ के लिए भी समझ लेते हैं। अगर मैच्योरिटी हो रही है और डेथ हो रही है तो आपको जो पैसा मिलता है वो किन मोड्स में मिल सकता है। पहला तो आप चूज कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में ले ले, और आपके साथ दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है। उस ऑप्शन में आपको ये कहा जाता है कि आप चाहो तो इस पैसे को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 5 साल, 10 साल और 15 साल की गैप में ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है, और मैच्योरिटी से 3 महीने पहले भी ये चुनाव करा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है। दूसरे कैलकुलेशन पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 16 साल में जो मैच्योरिटी मिलती है इसमें 10 लाख पे करना होता है, और 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख वाली सम एश्योर्ड की हमने कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे 3.5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। इस पॉलिसी के अंदर हमें ऑप्शन कुछ यूज करना पड़ेगा, बट अभी मैं ये कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 वाली हम यहाँ बात करेंगे। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसके अंदर लिया है, उनकी एज 30 साल की है, 10 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे करना है, 16 साल पे उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो मंथली 7,500 रुपए जमा कर रहे हैं इस प्लान के अंदर, और ईयरली जो उनका प्रीमियम जाता है वो तकरीबन 87,000 रुपीज के आसपास जाता है। पर डे का 238 रुपए इस प्लान के अंदर निवेश किया है। यहाँ पर हमने देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल पैसा 10 लाख के सम एश्योर्ड के अंदर उन्होंने 8,58,000 रुपए ही जमा करना है, और उनको जो रिटर्न मिलती है तकरीबन 16,65,000 रुपए की इसके अंदर मिल जाती है, जो कि टैक्स फ्री होती है और इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है। जैसे मार्केट की किनेगी तो कम अमाउंट मिलेगा, बट एक ही बार में ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में SIP प्लान के अंदर बता दूंगी जिसमें आपको 15% की रिटर्न मिलेगी, बट उससे पहले ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने ऐड कर देती हूँ जिसमें आपको 3.5 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न मिलती है और 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे देख दी है। यहाँ भी 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, पर देख सकते हैं जो हमने प्रीमियम पे करना है वो 47,000 रुपए का करना है, और ये प्रीमियम हमने सिर्फ 16 साल तक करना है। उसके बाद 9 साल तक हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ वेट करना है। और रिटर्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे 26,25,000 रुपए की रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाती है, और 10 लाख के सम एश्योर्ड में आपने जो पैसे जमा किए हैं वो 7.5 लाख रुपए की है, यानी कि 7.5 लाख रुपए इसके अंदर आपने जमा करने हैं, और जो रिटर्न आपको मिलती है वो 26,50,000 रुपए की आसपास की होती है। दोस्तों ये प्लान कोई SIP प्लान नहीं है, शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे SIP प्लान के बारे में जिसमें रिटर्न 8%, 10%, 12% और 15% की मिलती है, और वो आप चाहो तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के प्लान के लिए भी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद। We'll be right back.